हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी क्लास। आपका ये कंटिन्यू वीडियो लेक्चर होगा। जो टॉपिक चल रहा था अभी, इको सिस्टम, उसी के आगे का पार्ट है ये ट्रॉपिक लेवल। जो ट्रॉपिक लेवल है, इसमें शॉर्ट नोट्स आता है आपके पास। ओके, मींस जिसे हिंदी में कहते हैं पोषण स्तर। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि पोषण स्तर से आप क्या समझते हैं। पोषण स्तर की संख्या किसी खाद्य श्रृंखला में सीमित क्यों होती है, दैट वन इस ये क्वेश्चंस होता है यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल कह रहे हैं। ट्रॉपिक लेवल की कंडीशन जो आ रही है यहाँ पर, कहते हैं हम लोग कि ईच इकोसिस्टम हैज ए स्पेसिफिक फूड चैन एंड फूड वेब। प्रत्येक इकोसिस्टम होता है, जो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र होगा उसका एक स्पेसिफिक फूड चैन होगा और फूड वेब होगा। यहाँ पर क्लियर हो गया। फूड वेब मीन्स खाद्य जाल होगी और फूड चैन मीन्स होता है खाद्य श्रृंखला। क्लियर हो गया। अब यहाँ जैसे कि आपके पास दिया हुआ है, इन्होंने दिया है ग्रेजिंग फूड चैन लिखा है। क्लियर, ग्रेजिंग फूड चैन। ग्रेजिंग मीन्स होते हैं चरने वाले, यहाँ पर उनके बारे पे। तो अब यहाँ पे आता है कि जो फूड चैन होता है, इसे डिवाइडेड इनटू, फूड चैन को हमने डिवाइड किया है ट्रॉपिक लेवल पे, पोषण स्तरों पर। क्लियर, पोषण के स्तरों पर डिवाइड किया है। ईच कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज बाई द मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग इट्स फूड। मतलब कि ये डिवाइड करने का एक पर्पज ये होता है हम लोग के पास कि फूड चैन को विभिन्न पोषण स्तरों पे उनके फीडिंग मेथड से वो किस तरह का फूड को ऑप्टेन कर रहे हैं या किस तरह के फूड को वो ले रहे हैं, उसी के आधार पर हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया बच्चों। फिर द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द फूड चैन। मीन्स नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इन फूड चैन। मतलब फूड चैन में जितने स्टेप होंगे उतने ही ट्रॉपिक लेवल होंगे। यहाँ पर कि आपसे मैंने कहा यहाँ पर कि जैसे कि आपके पास जो कंडीशंस आती है कि मैंने कहा कि ये प्रोड्यूसर है, यहाँ पर ये मैंने बोला इसको क्या बोला, प्राइमरी कंज्यूमर बोला है, यहाँ पर ये एससी बोला और ये यहाँ पे बोला टीसी बोला मैंने। क्लियर, यहाँ पर तो ये क्या हुआ, या ये जो लेव स्टेप हुआ, ये टी वन होता है, ये टी टू होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रोड्यूसर हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, इनका जो बीच का स्टेप होगा पीसी और एससी के बीच, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी, वो टी टू कहलाएगा। इसके बाद क्या कहलाएगा, टी थ्री कहलाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद जो आता है यहाँ पर, वो आता है टॉप कंज्यूमर आता है, टॉप कंज्यूमर आता है। ठीक, तो उसके बीच में क्या हो गई, टी फोर साइकिल हो गई, वहाँ पर क्या हो गई बच्चा, टी फोर साइकिल। तो आप देख रहे हैं ना, जितने फूड चैन में स्टेप हैं उतने ही ट्रॉपिक लेवल होंगे। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द फूड चैन। मतलब जितने स्टेप हैं, एक दो तीन चार, चार स्टेप हैं आपके पास, तो उन चारों स्टेप के अनुसार ही ट्रॉपिक लेवल है, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर है यहाँ पर आपके पास। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर आता है जो कंडीशंस आती है कि दीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, ये सब मिलकर फॉर्मेशंस कर रहे हैं, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस कर रहे हैं बच्चा, ये सब मिलकर किसका फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट वन कि ट्रॉपिक लेवल पे पहला कौन सा होता है, पहला होता है प्रोड्यूसर होता है। ठीक, प्रोड्यूसर का मतलब हम कहते हैं उत्पादक। उत्पादक क्या होंगे, उत्पादक जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, ग्रीन
पौधे होंगे, ग्रीन प्लांट होंगे, क्लियर। इसमें हम फंजाई क्यों नहीं रखते, फंजाई डिकम्पोजर्स विदाउट क्लोरोफिल है वहाँ पर, हरा प्लांट है लेकिन वो क्या है विद ए क्लोरोफिल, से उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं दे आर द ऑटोट्रॉप या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब उत्पादक क्या होंगे कि ये पहला पोषक स्तर बनाएंगे, और जितने भी होंगे ये सब क्या होंगे, स्वपोषी होंगे या प्रकाश संश्लेषी ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि इकोसिस्टम में पाए जा रहे हैं। और ये जो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कर रहे हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं किसे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, कार्बन लिया, वाटर लिया, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन्होंने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज करी। ये जो ग्लूकोज बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है, वो किससे बना है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स और सनरेज की रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें, केमिकल एनर्जी में, अपना तो पोषण कर ही रहे, साथ में दूसरे हेटरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनका भी पोषण करते हैं यहाँ पर, क्लियर हो गया। तो ये होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्लियर, मतलब कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आपके पास कौन आएंगे, जैसे फाइटोप्लांकटन है, पादप प्लवक हो गए, ग्रास हो गई है, ट्रीज हो गए, जो भी है वो जितने भी, बस आपको एक वर्ड याद रखना है, ऑल द ग्रीन प्लांट कंडीशंस, ओके। नेक्स्ट वन आता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ये इसमें कंज्यूमर्स आते हैं, जितने भी यहां से अब कंज्यूमर शुरू होंगे। कंज्यूमर्स में क्या होता है कि प्राइमरी कंज्यूमर पे रहेगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है ये शाकाहारी होते हैं, क्लियर, जो कि अपने भोजन के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए, अपने पोषण के लिए ये पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होंगे। किस पे डिपेंडेंट होंगे, ये डिपेंडेंट होंगे प्लांट के ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर, और ये फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर हैं। फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं यहाँ पर, क्लियर, फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर होते हैं, जैसे जू प्लांकटन हुआ, काऊ हुआ, ग्रास ऑपर हुआ, रैबिट हुआ, दीज आर द नोन एज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन्हें कहेंगे, और ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं यहाँ पर, क्लियर हो गया। अब इसी तरह आता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, आपके पास आता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जितने भी होंगे वो सब कॉर्निवोरस होंगे, कॉर्निवोरस होंगे एंड कंज्यूमर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर के कंज्यूमर है, वो हर्बीवोरस थे सेकेंड ऑर्डर के, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल था वो फर्स्ट ऑर्डर के थे, ये सेकेंड ऑर्डर के, और ये डिपेंडेंट रहेंगे पूर्ण रूप से, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, हर्बीवोरस के ऊपर, मतलब कि ये मांसाहारी है यहाँ पर, जो कि टोटली डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है हर्बीवोरस के ऊपर। इसके एग्जांपल जैसे बच्चा आपके पास है, बर्ड्स है, फिशेस है, वॉल्फ है, भेड़िया है, यहाँ पे फॉक्स है, दीज ऑल आर द थर्ड ऑर्डर ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर कंडीशन। नेक्स्ट वन आता है आपके पास फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होगा यहाँ पर आपके पास, वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कंडीशंस आती है टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। इसमें क्या होगा कि टॉप कॉर्निवोरस, जितने भी टॉप कॉर्निवोरस हैं, या कह सकते हैं लास्ट ऑर्डर कंज्यूमर होते हैं, विच आर नॉट प्रेड अपॉन बाय द अदर, जिनको कोई मार कर खा नहीं सकता है और ये दूसरे को मार के खा सकते हैं, तो जितने भी होंगे वो सब कहलाते हैं क्या, टर्शियरी कंज्यूमर। और ये टर्शियरी कंज्यूमर क्या होते हैं, लास्ट ऑर्डर के कंज्यूमर है, आखिरी ऑर्डर के, जैसे मैन हुआ, लॉयन हुआ, हॉक हुआ, आउल हुआ एटसेट्रा, दीज आर द नोन एज द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर। जैसे कि आपके पास ये देखिए एक ट्रॉपिक लेवल का फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि प्लांट हुआ, प्लांट क्या हुआ, फर्स्ट हुआ, प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ, ऑटोट्रॉप्स हुआ, फिर ग्रॉस ऑपर हुआ, ग्राउंड स्कैरल्स हुआ, दोनों
हर्बीवोरस हैं, तो ये क्या हो गया, दे आर द सेकेंड हो गया, सेकेंड ट्रॉपिक लेबल हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। इसके बाद क्या हुआ, स्कॉर्पियन आ गया, ये ग्रॉस ऑपर के ऊपर फीडिंग करता है यहाँ पर, तो ये थर्ड हो गया, ये प्राइमरी कॉर्निवोरस हो गया यहाँ पर। और नेक्स्ट वन आता है जैसे ग्राउंड स्कैरल के ऊपर, गोल्डन ईगल है या किट फॉक्स है, ये दे आर द फीडिंग, तो दे आर द नोन एज द फोर्थ कंडीशंस कहलाती। देखिए जो ट्रॉपिक लेबल होता है वो फीडिंग के अकॉर्डिंग टू और डिपेंड करेगा। अगर ये दूसरे वाले पे देखें जिसमें प्लांट है, ग्राउंड स्कैरल्स है और ईगल है, तो यहाँ पर तीन ही ट्रॉपिक लेबल बन रहे हैं यहाँ पर, क्लियर हो गया। यहाँ पर तीन ही ट्रॉपिक लेबल का फॉर्मेशन हो रहा है, कि जैसे कि इसके बीच का T1 हो गया, इसके बीच में क्या हो गया, यहाँ पर T2 हो गया, यहाँ पर केवल आपके पास क्या हो गया, दो ही तो बन रहे यहाँ पर भाई। ये हर्बीवोरस हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, प्राइमरी का कॉर्निवोरस हो गया, जबकि इस साइड देखिए पूरे ऑर्डर के फॉर्मेशन हो रहा है, T1 हो गया है, ये T2 हो गया यहाँ पर, और ये T3 हो गया। अब इनको मार के फॉक्स को और कोई खाएगा, लॉयन वाई ये सब हुआ, तो कंडीशंस ये कहला रही है कि T1 T2 T3 कंडीशंस आ गया। तो ये एक कंज्यूमर की कैटेगराइज हो गया यहाँ पर, मींस कि आपने उसको किया T1 हुआ, T1 के बाद T2 आया यहाँ पर, फिर क्या हुआ, T3 हुआ यहाँ पर, और फिर क्या हुआ, T4 हुआ यहाँ पर। T1 जितने भी होंगे यहाँ पर, वो जितने भी होंगे वो क्या होंगे आपको याद रखना, प्रोड्यूसर होंगे। T2 क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे यहाँ पर। T3 क्या होंगे, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। और T4 क्या होगा, वो टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं यहाँ पर, क्लियर हो गया। दीज आर द, इसमें शॉर्ट नोट्स आता है यहाँ पर, आपको याद रखना है।